राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म के राजनीतिक सिद्धांत। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, महावीर जैन तीर्थंकर परंपरा के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। यह एक बात और बताना चाहूँगी कि महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, किंतु उन्होंने जैन धर्म का पुनरुद्धार किया। साथ ही महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित भी किया, जैन संघ की स्थापना भी की। जैन धर्म मुख्यतः भारतवर्ष की सीमाओं में ही सीमित रहा। भारत का प्रमुख धर्म बनने का अवसर उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन विद्यार्थियों, जैन धर्म का भारतीय दर्शन एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं कि जैन धर्म के राजनीतिक सिद्धांत या चिंतन किस प्रकार के रहे। विद्यार्थियों, महावीर के सिद्धांत और शिक्षाएं धार्मिक व नैतिकता लिए हुए थीं। उनमें राजनीतिक दर्शन के अनेक उपयोगी सूत्र समाविष्ट थे। जैन धर्म के राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार के हैं वो जानते हैं। सबसे पहला है अनिश्वरवाद। विद्यार्थियों, अनिश्वरवादिता की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है भगवान में विश्वास न करना। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। महावीर का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में अनेक शक्तियां गुप्त रूप से निहित होती हैं। यदि व्यक्ति उनका पूर्ण रूप से विकास कर ले तथा आत्मा की शुद्धि कर ले तो वह स्वयं परमात्मा बन सकता है। महावीर के अनुसार संसार अनादि और अनंत है। जैन धर्म ईश्वर की नहीं वरन तीर्थंकरों की पूजा करता है। जैन धर्म का दूसरा राजनीतिक सिद्धांत है आत्मवादिता। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म में आत्मा को अमर व अनंत माना जाता है, उसी प्रकार महावीर ने आत्मा की अजेयता को स्वीकार किया है। जैन धर्म प्रत्येक जीव में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। प्रत्येक जीव में अलग अलग आत्मा होती है। महावीर के अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार और सर्वदृष्टा है, किंतु मोह के बंधन व कर्म जाल उसकी शक्ति को छीन कर देते हैं। जैन धर्म का तीसरा राजनीतिक सिद्धांत निवृत्ति का मार्ग। विद्यार्थी, निवृत्ति का अर्थ होता है तपस्या और प्रवृत्ति का अर्थ होता है सांसारिक कर्मों का मार्ग। तो जैन धर्म निवृत्ति के मार्ग को अपनाने को कहता है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्ति के मार्ग यानी सांसारिक कर्मों का मार्ग को त्याग कर निवृत्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है। चौथा सिद्धांत है कर्म प्रधानता एवं पुनर्जागरण में विश्वास। विद्यार्थी, जैन धर्म कर्म को प्रधानता देता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म ही भावी जीवन का निर्माण करता है, अतः कर्म को अधिक सुंदर बनाना चाहिए। और साथ ही वह यह विश्वास करता है कि कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है, कर्मों पर ही अगला जन्म होता है। जैन धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति कम आयु में या अधिक आयु में मृत्यु को प्राप्त करता है तो यह उसके पिछले जन्मों में कर्मों के आधार पर ही निश्चित होता है। विद्यार्थियों, इसका आशय यह है कि जैन धर्म बताता है कि अगर पुनर्जन्म के चक्र से व्यक्ति को मुक्त होना है, इसके लिए उसे मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करना जरूरी है। मनुष्य को सत्य कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैन धर्म का पांचवा सिद्धांत है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। महावीर के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष अथवा निर्वाण है। इसके लिए ये आवश्यक है कि पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का नाश किया जाए तथा वर्तमान जन्म में सत्कर्म किए जाएं। महावीर के अनुसार कठोर तप अथवा व्रत द्वारा पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का विनाश किया जा सकता है और तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। अतः मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तप अति आवश्यक है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए जैन धर्म त्रिरत्न को आवश्यक मानता है। विद्यार्थियों, त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो जैन धर्म त्रिरत्नों का पालन करना ही मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। विद्यार्थियों, ये त्रिरत्न जो हैं वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों के सम्मिलित होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म का अगला सिद्धांत है तप एवं व्रत। जैन धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण दुष्कर्म एवं तृष्णा है तथा उनके विनाश का सिर्फ एक ही रास्ता है कि कठोर तप किया जाए या व्रत रखे जाए। महावीर के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप एवं व्रत बहुत आवश्यक होते हैं। अहिंसा जैन धर्म का एक और सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन
दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व मानता है। जैन धर्म के अनुसार सभी जीव समान हैं, उनके अनुसार सभी के साथ समान भाव रखना चाहिए। दूसरों के प्रति हमारा आचरण वैसा ही होना चाहिए जैसा हम दूसरों का आचरण हमारे प्रति चाहते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव की हत्या न करना ही पर्याप्त नहीं होता, वरन हिंसा के विषय में सोचना, बोलना या दूसरों को हिंसा करने देना भी अधर्म है। जब तक मन, वचन व कर्म से अहिंसा का पालन न किया जाए तब तक अहिंसा पूर्ण नहीं मानी जाती। विद्यार्थियों, जैन धर्म का अगला सिद्धांत है 18 पाप। जैन धर्म ने 18 कार्यों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को कर्म बंधन में डालते हैं, अतः जैन धर्म में उन्हें पाप समझा जाता है। वो पाप कौन से होते हैं? जैसे कि अभिमान, हिंसा, कलह, क्रोध, झूठ, परिग्रह, राग, दोष, रति, माया, लोभ, चोरी, असंयम, मिथ्या दर्शन, छल कपट, निंदा, चुगली और द्वेष। जैन धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति ये 18 पाप नहीं करता है तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पंच महाव्रत। महावीर ने जैनियों को 5 महाव्रतों का उपदेश दिया है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ महावीर ने जीवों की हत्या ना करना बताया है। सत्य की अगर हम बात करें तो मिथ्या वचन का परित्याग करना ही सत्य है। असत्य की बात करें तो बिना दिए हुए पर द्रव्य को लेना ही असत्य है। जैन धर्म के अनुसार किसी जीव का प्राण जिस प्रकार पवित्र है उसी प्रकार उसकी धन संपत्ति भी, अतः धन संपत्ति का अपहरण करने उसके जीवन के अपहरण के समान होता है। वहीं अपरिग्रह की अगर हम बात करें तो अपरिग्रह का मतलब होता है उन सभी विषयों का परित्याग करना जिसमें इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। और अंत में 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य को भी लिया गया। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है वासनाओं का परित्याग करना। जैनियों के लिए इन व्रतों का पालन करना नितांत आवश्यक माना गया है। महावीर स्वामी ने रात्रि को भोजन ग्रहण करना भी निषिद्ध बताया था। विद्यार्थियों, जैन धर्म का नेक्स्ट सिद्धांत था वेदों में अविश्वास। जैन धर्म वेदों में विश्वास नहीं रखता। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों की भी आलोचना की है। अहिंसात्मक नीति का पालन करने के कारण जैन धर्म पशु बलि व यज्ञों का भी घोर विरोध करते हैं। जैन धर्म का लास्ट सिद्धांत था तीर्थंकरों की पूजा करना। जैन धर्म सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते किंतु वे महापुरुषों की पूजा करना आवश्यक समझते हैं। जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों की आराधना की जाती है क्योंकि ईश्वर के समस्त आवश्यक गुण तीर्थंकरों में निहित होते हैं। विद्यार्थियों, ये जैन धर्म के सिद्धांत थे। जैन धर्म मानवीय भावनाओं से प्रभावित था तथा उसने लोगों को सात्विक जीवन व्यतीत करने व अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अहिंसा का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और जियो और जीने दो जैसे सिद्धांत आज भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।